परीक्षित श्री कृष्ण जी की बात सुनकर उद्धव जी बड़े आदर के साथ संदेश लेकर रथारूढ़ होकर ब्रज की ओर चल पड़े हैं। जैसे उद्धव जी मां यशोदा के पास जाने का प्रयास करते हैं, जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचते हैं, सबसे पूछने लगे, अरे भैया, मां यशोदा का घर कहां पे है? पूछ रहे हैं। कहने लगे, एक संत ने क्या कहा, हे उद्धव, जो ये जल की धारा बह रही है, ये जहां से आरंभ हो रही है वहीं मां यशोदा मिलेगी आपको। कहने लगे, ये जो जल की धारा बह रही है ये मां यशोदा के कृष्ण के वियोग के आंसुओं की नदी बनकर धारा प्रवाहित हो रही है। उद्धव जी जैसे मां यशोदा के पास पहुंचते हैं, मां यशोदा को मूर्छित पड़े हुए देखा है। जैसे ही उद्धव जी ने लगाई आवाज, अरे मां, मां एकदम आंखें खोल के खड़ी होती हैं, अरे मेरा कन्हैया आ गया दिखता है। जैसे ही सामने उद्धव जी को देखा है, मां यशोदा वापस मूर्छित होकर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद में जब होश आता है, कहने लगी, हे उद्धव, मेरे कन्हैया ठीक तो है ना? उद्धव जी ने कहा, माता, कन्हैया आप सभी की बहुत याद करते हैं। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान वहीं का वहीं टूट जाता है। गोपियों को देखा, सब भगवान की याद में। कहने लगी गोपियां, काना को ढूंढते हैं दुनिया की हर गली में, काना को ढूंढते हैं दुनिया की हर गली में, काना को ढूंढते हैं दुनिया की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, काना को मोहन को काना को ढूंढते हैं गोकुल की हर गली में, काना को ढूंढते हैं मथुरा की हर गली में। माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा। गोपी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गोपी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, काना को मोहन को गिरधर को ढूंढते हैं
की हर गली में गाना को ढूंढते हैं, दुनिया की हर गली में फिर किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या 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 फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, काना को ढूंढते हैं गोकुल की हर गली में, काना को ढूंढते हैं गोकुल की हर गली में। गली गली में भटका, गली गली में ढूंढा, गली गली में भटका, गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, काना को, मोहन को, गिरिधर को ढूंढते हैं गोकुल की हर गली में, काना को ढूंढते हैं गोकुल की हर गली में, 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 गोकुल की हर गली 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 में। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार में तो आवाज ही नहीं आती है, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की जय हो, कहते हैं उद्धव जी महाराज तो दो चार दिनों के लिए आए थे, किंतु प्रेम भूमि व्रज की रज में ऐसे रमे, कई महीने हो गए वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राधा जी कहने लगे, हे उद्धव जी, हमारे कन्हैया से हमारे समाचार कहना,
प्रेम मद के छाके पद परत कहाँ के कहाँ था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कहे रत्ना करियो आवत चकात ऊधो मानो सुदियात को भावना भुलाई है। धारत धरा पे ने उदार अति आदर सो सारत बहोलिन जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत यशोदा को दियो एक कर बंसी वर राधिका पठाई है। प्रेम के रस से सरोवर होए उद्धव जी की किस तरह मथुरापुरी पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को माता पिता राधा जी गोपियां और समस्त ब्रजवासियों का संदेश सुनाया और भेंट दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान आते समय कुब्जा पर भगवान कृपा करते हैं, अक्रूर जी पर कृपा कर अक्रूर जी महाराज का अस्तिनापुर जाता हो जाना होता है और भगवान का जरासंध से युद्ध होता है। भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और कालियावन और मुचकुंद का उद्धार करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी जल्दी जल्दी कथा कहनी पड़ेगी नहीं तो 8 बज जाएंगे हैं। सभी मातान को जल्दी हो रही होगी कि महाराज जी रोज के रोज लेट कर देते हैं। अरे भैया हम का लेट करे हैं, हम तो हम ही यही सोचते हैं कि जल्दी से कथा पूरी हो जाए लेकिन कन्हैया होने ही नहीं देते हैं। हैं क्यों नहीं होने देते हैं? ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी मेरे बस की नहीं है। अब भैया मैं तो अगर ऐसे कैसे सुबह हो जाए तो नहीं हटे। लेकिन हमारे भैया है ना ये अभी छोड़ छाड़ के हमको ही कल लेन कोई छोड़ जाएंगे। अभी बोले गोविंद भगवान की बहुत सी मैया है ना खाना भी बनाएगी घर जाके हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सर गाए यहाँ सर्द के होते हैं सोदे। कहते हैं भगवान की कथा मिलना इतना सस्ता सौदा। अरे भैया आप 1 करोड़ रुपया यहाँ लाके रख दे है? किसी काम के नहीं है। जब भगवान की उस पर कृपा होगी तभी कथा उसको सुनने को मिलेगी। बोले गोविंद भगवान। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बहुत सी मैयान को है ना भूख लगवे लग गई शायद मेरे हिसाब से अब आज नहीं निकल रही है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी सेवा में सुन लो एहूधो। ये तो प्रेम की
बड़ी बात है उधो। भगवान पधारते हैं और कहते हैं भगवान लक्ष्मीपति हैं और लक्ष्मी जी समस्त जीवों की माता हैं। जीव को लक्ष्मी जो धन संपत्ति हैं, इस लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग करने मात्र का अधिकार है, उपभोग का अधिकार नहीं है। धन के दुरुपयोग से यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। समय संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला कौन है? देव हैं। और दुरुपयोग करने वाला दैत्य हैं। बोलिए गोविंद भगवान जय। अब भैया संपत्ति को भगवान के कार्य में लगाने वाला तो देव है, है? और सट्टेबाजी में लगाने वाला दैत्य है। अब आप सोच लीजिए, हम नहीं कहेंगे। बोले गोविंद भगवान जय। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय संपत्ति और संतति के पीछे गवा देता है। जब बुढ़ापा आता है तब उसको होश आता है, अरे भैया अब तो कुछ समय हमको भगवान का नाम ले लेना चाहिए, नहीं तो अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है कब चले जाए। बुढ़ापो बेरी आयो कहां से बेईमान, बुढ़ापा आएगा तो भगवान भी याद आएगा, है? फिर दिमाग में आएगी, अरे भैया अब इतनी सारी संपत्ति, इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये बना ली, इनका क्या करेंगे, है? सब यहीं के यहीं रह जाना है, अगर संग चलेगा तो भगवान का नाम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब सोच लो भैया क्या होना है। इस वाणी से, मन से एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे क्रोड़। राम रमैया गाए जा ओहो, राम स्नेह लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम स्नेह लगाए जा, राम ही करेंगे तेरी पार नैया, राम ही करेंगे तेरी पार नैया, हो राम रमैया गाए जा, राम स्नेह लगाए जा, राम ही करेंगे तेरी पार नैया, हो प्राणी राम ही करेंगे तेरी पार नैया। भगवान की। अब सोच लो भैया, हम तो ज्यादा ज्यादा संत भी ना बने भैया, आपके हिसाब से सोच लियो है। बोले गोविंद भगवान की जय। लेकिन फिर भी एक बात और कहूंगा,
ये जो शरीर है ये अपना एक किराए का मकान है, इसको एक ना एक दिन हमको खाली। अब हमारे राजस्थान में तो ऐसे भाया, इस शरीर ने एक ना एक दिन खाली करनो पड़सी भाया, नहीं हो अठे का अठे ही रह जानो है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अब देखिए, अभी शादी तो 5 मिनट में करवा देंगे है ना, लेकिन अपन मान लो शादी में 6 बजे ही जा बैठे, वहां बराती वालों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है तो क्या करोगे बताओ? पानी पी पी के ही रहना पड़ेगा। अब 8 बजे से पहले तो शादी होएगी तो ऐसे लगे कहाँ गए पता नहीं, लेकिन अभी 10 मिनट में ही कराने वाले हैं ना, घबराए नहीं। मोती जब तुझको आवाज देगी, मोती जब तुझको आवाज देगी, तो पता है आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वहां ना तो आपके बच्चे ना आपकी बीवी आपको रोक पाएगी। बोली गोविंद भगवान की, यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। और वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटो पे चलना पड़ेगा। ऐसा भी
मुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। बोली गोविंद भगवान जय। कन्हैया की बारात में चलने के लिए कौन कौन तैयार हैं? सभी हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। कहते हैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र हुए और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम क्या है? क्या है? अभी 2-5 माताओं की आवाज आई है। क्या है? बोले रुक्मणी महारानी की। राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, किंतु रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मणी जी को जब यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुई। रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया है। उसका ध्यान रुक्मणी के देह के सौंदर्य की ओर था। सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला जीव का नाम क्या है? शिशुपाल। बोली गोविंद भगवान जय हो। रुक्मणी जी की माता सुद्धुमती के अंतपुर में सुदेव नामक ब्राह्मण आते जाते थे। रुक्मणी ने उन ब्राह्मण से बताया कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरा पत्र संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। रुक्मणी भगवान को पत्र लिखती हैं, संदेश लिखती हैं। और मन में सोचती हैं, हे कन्हैया आपका किस नाम से पत्र लिखूं? अगर आप तक पत्र नहीं पहुंचा तो मेरे भैया रुक्मी शिशुपाल से मेरी शादी कर देंगे। राजस्थानी में गाले के एक रुक्मणी कहने लगी, ये सांवरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पतरे, सांवरिया थारा ये नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पतरे, सांवरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पतरे, सांवरिया थारा नाम हजार, सांवरिया थारा ये नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पतरे, सांवरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुमकुम पतरे।